कुम आज मैं यानी आपकी भी जान आपको सुना रही हूँ कहानी दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा एक जंगल में खूबसूरत नदी के किनारे मोर राजहंस बंदर और चिड़िया रहते थे उनमें बहुत दोस्ती थी वो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे जब बंदर मोर और चिड़िया खाने की तलाश में सुबह निकलते तो राजहंस उनके घरों और घोंसलों की हिफाजत करता था और शाम को सब मिलकर खाना खाते थे एक दिन मोर खाने की तलाश में जंगल में बहुत दूर निकल गया और बेख्याली में शिकारियों के बिछाए हुए जाल में फंस गया जाल में से निकलने की कोशिश में जख्मी भी हो गया उसके पर और दोनों पैर जाल में उलझ चुके थे निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था वो तकलीफ से रोने लगा और अल्लाह मियाँ से दुआ करने लगा कि अल्लाह मुझे इन शिकारियों के हाथों से बचाओ मोर को इस बात का पूरा यकीन था कि अल्लाह उसको बचा लेंगे क्योंकि उसने कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई थी उधर शाम को जब चिड़िया और बंदर घर वापस आ गए तो परेशान हो गया और उन दोनों से कहा कि भाई मोर अब तक क्यों नहीं आया तो वो भी सब परेशान हो गए फिर चिड़िया फौरन उड़ी और मोर को ढूंढने लगी और कुछ दूर जाकर उसकी नज़र मोर पर पड़ी जो जाल में बुरी तरह फंसा हुआ था वो फौरन उड़कर वापस गई और राजहंस और बंदर को मोर के बारे में बताया तो बंदर चिड़िया के साथ दरख्तों पर उछलता कूदता तेजी से वहाँ तक पहुँचा फिर दोनों ने बड़ी मुश्किलों के बाद जाल से मोर को आज़ाद किया मोर बेचारा बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था उसके पर और दोनों पैर जख्मी थे बंदर ने उसे उठाया और तेजी से वहाँ से निकल गया उधर जब वो घर पहुंचे तो राजहंस ने मोर की हालत देखकर बंदर से कहा कि तुम फौरन मरहम और दवा जाकर हकीम भालू से ले आओ बंदर तेजी से दौड़ता हुआ हकीम भालू के पास पहुंचा। मोर का हाल बताकर दवा ली और फिर मरहम लाकर राजहंस को दी चिड़िया राजहंस और बंदर ने मरहम लगाने और दवा खिलाने के बाद मोर को आराम करने के लिए कहा चिड़िया और बंदर ने मोर से कहा कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते हम अपनी गजा के साथ तुम्हारी और राजहंस के लिए भी खाना तलाश करके लाएंगे तब तक राजहंस तुम्हारी देखभाल करेगा और पता है बच्चों कुछ दिनों बाद मोर सेहतमंद हो गया और उसके नए पर भी आ गए और मोर ने अपने दोस्तों और जंगल के दूसरे जानवरों और परिंदों को अपने पड़ोसी दोस्तों बंदर राजास और चिड़िया के बारे में बहुत खुश होकर बताया इसी तरह एक दिन वो ये वाकया अपने नए आने वाले परिंदे तोते को बता रहा था तोता दूसरे जंगल से इस जंगल में आया था क्योंकि उसके जंगल में तूफ़ान और बारिश ने बहुत तबाही मचाई थी और सारे घने दरख्त गिर गए थे तोते ने जब अपने जंगल की तबाही बंदर राजहंस और मोर चिड़िया को सुना रहा था तो उसने कहा कि वो परेशान है कि इसे अक्लमंद उल्लू ने बताया है कि वो तूफ़ान और बारिश अब इस जंगल का भी रुख करने वाला है तो राज हंस मोर और बंदर ने कहा कि हम अपने घरों को मज़बूत बनाएंगे और हमने पहले से उन्हें मज़बूत भी बनाया हुआ है मगर चिड़िया रोने लगी कि उसका घोंसला बहुत कमज़ोर है और वह कुछ दिन पहले ही सोच रही थी कि घोंसले की मुरम्मत कर ले मगर मोर की बीमारी की वजह से वो ऐसा ना कर सकी ये कहकर वो उदास हो गई मगर बंदर राजहंस और मोर ने कहा कि चिड़िया भी तुम क्यों परेशान होती हो हम मिलकर तुम्हारा नया घोसला बनाएंगे और फिर फौरन सब ने काम शुरू कर दिया सरकुंडों की टहनियों शैतूत की लचकती छड़ियों चिकनी मिट्टी के लेप से नया घोसला बनाने लगे और उसके लिए राजहंस ने अपने नरम मुलायम परों से जमीन नरम गद्दे की तरह तैयार की और मोर ने अपने परों की मदद से चार दीवारी और छत छतरी की तरह बना दी जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था और जंगल के जानवर और परिंदे दूर दूर से आकर इस शानदार घोंसले को देखने आ रहे थे और उन दोस्तों की बेमिसाल दोस्ती की तारीफ़ कर रहे थे इधर चिड़िया भी बहुत खुश थी कि तूफ़ान और बारिश में उसका घोंसला उसके दोस्तों की वजह से महफूज रहा इधर मोर भी बहुत खुश था कि उसकी बीमारी में चिड़िया ने उसकी बहुत मदद की थी प्यारे बच्चों ये बात बिल्कुल सच है कि अच्छे और सच्चे दोस्त एक नियमत की तरह होते हैं जो एक दूसरे के दुख सुख का बहुत ख्याल रखते हैं अच्छा बच्चों फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ खुश रहिए थैंक यू फॉर वॉचिंग यू कैन फॉलो गिवन लिंक्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेशन द रेडोलेंट वी आर योर प्रमोशनल ब्रिज